दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों एड्स एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज अब तक संभव नहीं हुआ है। एड्स एचआईवी के कारण फैलता है। कुछ लोग समझते हैं एड्स स्वयं में एक बीमारी है जबकि ऐसा नहीं है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी है, यानी इस रोग में व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है जिससे उसका शरीर रोगों से खुद की रक्षा नहीं कर सकता। यही कारण है कि एड्स होने पर व्यक्ति अलग अलग तरह के रोगों की चपेट में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एचआईवी रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसीका कोषों पर आक्रमण करता है जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं एड्स के लक्षण और संकेतों के बारे में। एड्स होने पर पीड़ित के शरीर में कई लक्षण और संकेत दिखाई देती हैं। एड्स व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने से संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर अक्षय रोग जैसी बीमारियां आसानी से व्यक्ति पर आक्रमण कर देती हैं जिनका इलाज करना बहुत कठिन होता है। एड्स की शुरुआती स्टेज में इसका पता नहीं चल पाता और व्यक्ति को इलाज करवाने में देरी हो जाती है, इसीलिए इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में पता होना जरूरी है। सूखी खांसी। सूखी खांसी होना एड्स के लक्षणों में शामिल है। अगर किसी को खांसी नहीं है लेकिन मुंह में हमेशा कफ आता रहता है, मुंह का स्वाद खराब रहता है, तो इसमें से कोई भी लक्षण लगने पर एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। मसल्स में खिंचाव। भारी काम या शारीरिक श्रम किए बिना भी अगर किसी को मसल्स में हमेशा तनाव और अकड़न का एहसास होता है तो ये एड्स का लक्षण होता है। तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाएं। थकावट महसूस होना। बिना ज्यादा काम किए पिछले दिनों से ज्यादा थकान का होना या हर समय थकावट महसूस करना एड्स का शुरुआती लक्षण हो सकता है। गला पकना। गला पकने की शिकायत अक्सर तब होती है जब हम कम पानी पीते हैं, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के कारण भी गले में भयंकर खराश और पका हुआ महसूस होता है तो ये एड्स संभावित लक्षण हैं। गिल्टियाँ होना। एड्स होने पर शरीर पर सूजन भरी गिल्टियाँ हो सकती हैं। खासकर ये दर्द रहित गिल्टियाँ गले, बगल या जांघों आदि में होती हैं। वजन का धीरे धीरे कम होना। एड्स से पीड़ित व्यक्ति का वजन एकदम से नहीं घटता लेकिन धीरे धीरे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है और वजन में कमी होती है। अगर किसी का वजन बिना प्रयास के कुल भार का 10% तक कम हो जाता है तो तुरंत चेक करवा लें। बार बार बुखार आना। हर 2-3 दिन में बुखार महसूस होना, बुखार का तेज होना या 1 महीने से ज्यादा बुखार आना एचआईवी का सबसे पहला लक्षण होता है। सिर और जोड़ों में दर्द और सूजन। ढलती उम्र से पहले ही अगर जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है या फिर सिर में हर समय हल्का हल्का दर्द रहता है, ये दर्द सुबह के समय दर्द में आराम और शाम तक दर्द बढ़ने लगता है तो आपको एचआईवी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी और इसी तरह की महत्वपूर्ण और जानकारियाँ आप हमसे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।